नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है एम्पावर्ड ग्रुप्स फॉर डीलिंग विद दिस कोविड प्रॉब्लम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 29 मार्च को 11 ग्रुप सेटअप हुए थे। तो टुडे वी आर हैविंग द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप 4। आई विल रिक्वेस्ट द चेयरमैन टू ब्रीफ। नमस्कार, एम्पावर्ड ग्रुप 4 का जो मैंडेट था वो था ऑगमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हमारे ग्रुप ने ये ध्यान में रखा कि ये जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, किस ज़िले में, किस शहर में, ये किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके बारे में एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाए और वो पब्लिक डोमेन में हो, जिसको देख के वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इनका उपयोग कर सकें और उपयोग करने से पहले इनको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, उसको भी करा सकें। तो इसलिए दो पोर्टल के बारे में आज मैं बताऊंगा। एक तो पहला जो है डैशबोर्ड वो बना है, वो है covidwarriors.gov.in। ये जो covidwarriors.gov.in है, ये एक मास्टर डेटाबेस है ऑफ दो टाइप के। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और वॉलंटियर्स हैं। अब तक ये हर रोज़ इसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 1,24,00,000 मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स, इसमें ऑलरेडी इनके डिटेल्स आ चुके हैं। और इसमें आप देखिएगा, इसमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके जिनके कॉन्टैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, केवल फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वहाँ भी वो मौजूद हैं। तो अब तक हमने 20 कैटेगरीज और 49 सब कैटेगरीज इसमें शामिल किया गया है। और ये इंडिविजुअल लेवल जो डेटा है, वो केवल इंडिविजुअल लेवल डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और म्यूनसिपल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ ही लोगों को वो एक्सेस कर पाएंगे। और बाकी सब जो डेटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो सारे लोग ये पब्लिक डोमेन में हैं, उनको देख सकते हैं, उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, सब कुछ है। तो इसमें हमने 201 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो हॉस्पिटल्स, उनके सारे डिटेल्स, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सारे बेड्स, आईसीयूज, वो सब, 49 ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स, 50 रेलवेज के हॉस्पिटल्स, 12 पोर्ट हॉस्पिटल्स और 13 जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और हाल के जैसे हॉस्पिटल्स, ये सारे डिटेल्स भी उसमें मौजूद हैं। तो ये ज़्यादातर हमने जब देखा कि ये जो वॉलंटियर्स जो कोविड के लिए फाइट करने के लिए हमको ना केवल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट्स, आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इसकी ज़रूरत केवल नहीं है, हमको भी जो हेल्थ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। इससे इसका जो फाइट, इसका जो कोविड 19 के साथ जो अभी अपना जो फाइट जो हो रहा है उसमें उनको कैसे शामिल किया जाए। तो आप देखिए, तीन तरह के चीज़ें इसमें हो रही हैं। एक तो प्रिवेंटिव में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब जैसे मार्केट्स में, शॉप्स में, बैंक्स में, ज़्यादातर राशन शॉप्स में अभी मंडीज खुल रही हैं वहाँ पे, और इनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे वो करवाना है। जैसे कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके पहुँचाना है और कई सारी चीज़ें वहाँ पे, फील्ड सर्वेलेंस, ये सब करना है, और एक क्यूरेटिव पार्ट जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें, ये इसको करने के लिए, क्योंकि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से एक जगह जहाँ पे फील्ड जो वॉलंटियर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको शायद एक जगह से दूसरे जगह तक लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। वो इसलिए ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए में प्रॉब्लम है और डिस्ट्रिक्ट बी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, तो वहाँ से भी ला सकते हैं इसके ज़रिए। और ये इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, 1.24 करोड़ जैसे मैंने कहा, तो इनको, इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो दिशा प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल वहाँ पे बनाया, जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया, उसका नाम है igot.gov.in।
igot.gov.in। तो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्पेशलिटी है, ये वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म, इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, इसके तहत एनी टाइम एनी वेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, ये इम्पॉर्टेंट है। एनी टाइम एनी वेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू एनी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब तक 14 कोर्सेस, 53 मॉड्यूल्स, 113 वीडियोस और 29 डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये जो आईगॉट के कोर्सेस हैं, उसमें बेसिक्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट से लेके जैसे लैबोरेटरी कलेक्शन टेस्टिंग और जैसे क्वारंटीन मैनेजमेंट से लेके आईसीयू केयर वेंटिलेशन मैनेजमेंट तक भी कोर्सेस, वेबिनार्स और वीडियोस इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो भी है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उसमें इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। उसमें अंग्रेजी तो है ही, उसमें हिंदी, मलयालम और बंगाली कुछ ऐसे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं राज्यों के साथ बात करके कि इसको भी ट्रांसलेट किया जाए, और हम भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए अलग भाषाओं में। तो जब से ये हुआ है, तब से ये दो हफ्ते से कम में अब तक 131,440 यूज़र्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये प्लेटफॉर्म में। उसमें से 84,958 इतने लोग ऑलरेडी उनके कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग। और ये जो अलग अलग, अगर आप देखें फील्ड में, अगर आप देखें अब तक जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके से नहीं, अलग से अगर इंडियन रेडक्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब 3,500 एनसीसी कैडेट्स और 553 एनसीसी स्टाफ 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं। और 47,000 कैडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं एंड अभी उनको तैनात किया जा सकता है एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन, उनमें से अगर आप देखें तो 1,80,000 एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया गया है सैनिक बोर्ड्स के द्वारा डिप्लॉयमेंट के लिए। उसमें से 6,303 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़। उसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस, सपोर्टिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मंडीज के लिए और कई जगह के लिए। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष के लिए भी वो बने हैं, क्वारंटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये सब के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। उनको करीब करीब 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स को 15 स्टेटों में और 2 यूनियन टेरेटरीज में अब तक डिप्लॉय कर, मतलब वो किए गए हैं। और अभी तक 1,00,000 से ज़्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप NY के नेहरू युवक केंद्र जो संस्थान है और NSS है, उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27,00,000 वॉलंटियर्स अब तक, काफ़ी जो स्टेट्स में और यूटीज़ में अभी वो लोगों को, सिविक अथॉरिटीज़ को अभी हेल्प कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मार्केट्स, बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, मंडी ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग फूड, ग्रॉसरी, मेडिसिन टू द नीडी, क्वारंटीन फैमिलीज और सैनिटेशन ड्राइव्स में, कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट को। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान 18,00,000 से ज़्यादा नए वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं। पहले जो थे उससे 18,00,000 ज़्यादा, अभी लास्ट करीब करीब एक महीने में 18,00,000 से ज़्यादा न्यू वॉलंटियर्स ज्वाइन किए हैं। उनमें से करीब करीब 42,00,000 जो वॉलंटियर्स वो आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानते हैं उस एरिया में सबको बता के आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें, और जो बुज़ुर्ग जो लोग उनको कैसे देखभाल किया जाए उनसे भी वो अभी उसमें काम पे वो लगे हुए हैं। तो ये जो कहना यही है, तात्पर्य यही है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ही जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसे कहते हैं शॉप ये है, और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से प्लीज। जैसा आप सभी को पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए
संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी, परंतु साथ ही जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक SOP केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर, जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज़ में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम COVID-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है, उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में, जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी, वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं, कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है, ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR, प्लीज। हमने आज तक 4,49,810 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। उन 35,000 और सैंपल्स में 29,776 सैंपल्स, ये 201 अभी लैबोरेटरीज हैं ICMR नेटवर्क में, उनमें से हुए 6076, ये 86 प्राइवेट लैब्स में से हुए। आज थोड़ा दूसरी चीज़ के बारे में सब लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं।
क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को, अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने दो चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें, और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज। चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने हमें HR को कैसे हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इन कंटिन्यूएशन, अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कन्फर्म केसेज आए हैं, विच टेक्स आर कन्फर्म केसेज टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहाँ पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए, और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए बाद में वो पॉजिटिव पाए गए, इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज़ में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज़ की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपरली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमिडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे, और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर ज़रूरत है तो इमिडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिस जिस के कॉन्टैक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं
हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसी सिचुएशन में किसी पेशेंट के साथ साथ कोई हेल्थ केयर वर्कर भी अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको रोस्टर से हटाते हुए उसके कॉन्टैक्ट को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए और उसको प्रॉपर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इन अस्पतालों में ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बना रहना जरूरी है, तो जिसके तहत इन अस्पतालों में एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, उसी हिसाब से स्टाफ का रोस्टर बनाना चाहिए। साथ ही जिस अस्पताल में इस टाइप के पॉजिटिव केसेज आए वहाँ पर किस टाइप की क्लस्टरिंग ऑफ केसेज नोट की गई, या किस लेवल तक ये हॉस्पिटल इन्फेक्ट हुआ, या किस टाइप के पेशेंट वह हॉस्पिटल ट्रीट करता है कि सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसके आधार पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज निर्णय लें और एडिक्वेट डिसइंफेक्शन के बाद वह अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो वह पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर कि वह पॉजिटिव केस आए हैं उसको टेम्परेली क्लोज किया जा सकता है। साथ ही इन केस की अगर वहां पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है या ज़्यादा केसेज आ रहे हैं तो उस फैसिलिटी को कोविड हेल्थ फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित कर उस पर कोविड से रिलेटेड केसेस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही इन अस्पतालों में सभी कर्मचारियों की डेली स्क्रीनिंग की जाए और हॉस्पिटल के इमरजेंसी और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स की ट्रायजिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और कहा है कि वह ब्लड बैंकों में ब्लड की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, विशेष रूप से ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जिसमें कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उन सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए। ऑनलाइन ई पोर्टल जो हमारा ई रक्तकोश एक पोर्टल है उसके माध्यम से हर ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की करंट अवेलेबिलिटी का रियल टाइम स्टेटस मॉनिटर किया जाए। साथ ही इंडियन रेड क्रॉस ने इसी संबंध में एक 24/7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसेज के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसके फ़ोन नंबर्स हैं 011-233-59379, दूसरा नंबर है 93-199-82104, एक और नंबर है 93-199-82105। इस फ़ोन नंबर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करते हुए वह सर्विसेज हम ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और फ्रंटियर पर हमारा एक विस्तृत रूप में कार्य चल रहा है, काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट्स के मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए ड्रग की एफिकेसी को इवेल्युएट करने के लिए एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस जिसके साथ साथ क्रिटिकली इल जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनमें एक ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उनके साइटोकाइन प्रोफाइल में मैसिव चेंजेस लेके आता है। इस ड्रग के द्वारा टेस्टिंग बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यह पाया गया है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म इनहिबिट होता है और मॉर्टेलिटी इन कोविड 19 केसेस और उसकी रिकवरी कम होती है और उसकी रिकवरी बेटर होती है। कोविड 19 और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से सफरिंग पेशेंट्स की इस क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटी को नोट करते हुए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह ट्रायल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स और वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए कोविड 19 कॉन्सोर्शियम पर एप्लीकेशन को इन्वाइट किया। ऐसे 500 प्रपोजल आए जिनमें प्रिलिमिनरी स्टेज में 16 को फंडिंग सपोर्ट के लिए रिकमेंड भी किया गया है। इस मल्टीफेसिलिटेड अप्रोच के तहत नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर वैक्सीन कैंडिडेट्स जो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट में हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स और साथ ही नोवल वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं उनको रीपर्पज करने के लिए फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। कोविड 19 के खिलाफ DNA वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। वैक्सीन कैंडिडेट्स जो यूटिलाइज करेंगे इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर, फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट BCG वैक्सीन उन पर काम हो रहा है। मॉलिकुलर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के देश में प्रोडक्शन के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हम सबको अवगत है कि जो हमारी ये कोविड के खिलाफ लड़ाई है यह मल्टी फ्रंट पर काम कर रहे हैं
डिफरेंट फ्रंट्स पर काम करते हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें एक फ्रंट है सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम अवॉइड करें, दूसरी तरफ कंटेनमेंट एफर्ट्स पर काम करें, तीसरी तरफ साइंस के फ्रंटियर पर काम करते हुए एक कंबाइंड इंटरवेंशन के रूप में हमें इस लड़ाई को जीतना है। धन्यवाद। रवि सिंह, News18। सर, मेरा सवाल ICMR से, गंगा खेडकर जी से, क्या ऐसे कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि 25 अप्रैल तक, शायद आपने कहीं पे स्टेटमेंट भी दिया था कि 25 अप्रैल तक अगर इसी तरीके से लॉकडाउन का पालन होता है तो केसेस जो स्टेबलाइज हो जाएंगे? देखिए, ऐसे अगर देखा जाए ना, केसेस उतने जितना आपको बार बार बताया जा रहा है कि उसका डबलिंग टाइम जो है वो कम ही होते, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो एक किस्म से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस ढंग के ये चाहिए, वो कम दिखाई दे रहे हैं। अब 25 अप्रैल को कुछ होगा या 27 अप्रैल को होगा, इतना भविष्य एक्यूरेट बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा उसमें उतनी बढ़त दिखेगी नहीं, ऐसे हमें लगता है। मिस्टर साहिल, ANI। सो माय क्वेश्चन इज फॉर लव सर। सो देयर आर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV और कैंसर, बट दे आर नॉट हैविंग कोविड। सो इज द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग टू मेक श्योर दैट दीज पीपल गेट द मेडिसिन? And is there any advisories to the state where saying that there should be no hoarding or black marketing of these drugs? I will just add online question, the same is there. Patients who are severely or critically ill due to other diseases are not getting enough care. Has the health ministry issued strict directive to the states and private hospitals? Sir, we have already talked about it. We have already issued detailed guidelines to all the states. Wherein what we are saying is, on one side, while we focus on COVID-19 in terms of creation of dedicated COVID-19 health infrastructure, with respect to non-COVID hospitals, all our regular services need to be provided, be it maternal child health, be it dialysis, be it blood-related services or HIV-related cases, all services have to be provided, be it cancer treatment. And what we have also advised state, while these services are provided, required infection prevention management should be ensured. And in consonance with this particular point only, I have highlighted the new guidelines we have issued with respect to ensuring when regular patients come to non-COVID hospitals, what type of precautions and other measures they have to adopt so that the disease or the hospital-related infections can also be prevented. Vijayalakshmi, India TV. सर, रैपिड टेस्टिंग को लेकर ही मैं पूछना चाह रही थी। राजस्थान से जिस तरह से आया है कि वहाँ पर सर ने हालांकि ICMR की तरफ से क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार की भी कुछ टीमें अलग अलग राज्यों में गई हैं, क्या कुछ मेजरमेंट आप ले रहे हैं? 2 दिन तक कहा है कि टेस्टिंग ना करें, लेकिन कुछ और मेजरमेंट केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं इस मुतालिक? सर, ऑलरेडी मैम ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। एडिशनली मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। और इससे भी मुख्य बात यह है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। मोहित दुबे, न्यूज नेशन। मेरा सवाल सर ICMR से है और लव अग्रवाल सर से भी है। सर, पहला सवाल आपसे है कि इस सिम्टोमेटिक जो आप कह रहे हैं, ये 80% आप कह रहे हैं कि पता चल नहीं रहा है, तो किस तरीके से आप डील कर रहे हैं इस लक्षण को? नहीं, ये एक ही बार बोलूंगा, इसके बाद में मैं कभी बोलूंगा नहीं ये सिम्टोमेटिक केस के ऊपर। कारण बोलता हूँ, ये इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं
तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अब तीसरा तथ्य जो मैं अभी तक बोला नहीं हूँ उसके बारे में बोल देता हूँ कि जितने अभी टेस्ट हुए हैं उनमें अगर आपने देखा तो सिम्टोमेटिक 31% है और जो एसिम्टोमेटिक लोग थे उनकी संख्या 69% है। इसका मायना आप अलग ढंग से अगर देखें तो अगर एक केस डिटेक्ट हो रही है तो उसके साथ में एसिम्टोमेटिक, एक एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आए वाले पेशेंट्स हैं, तो उनमें हमको कितना दिखाई दे रहा है, 3 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा दो केसेस रहेंगे। सर डब्ल्यूएचओ ने आज बात कही है, 1918 का जिक्र किया है स्पेनिश फ्लू को लेके कि अगर स्थितियां अगर हम बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 1918 जैसे हालात पैदा हो जाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना, हमको एक चीज़ समझना है कि हम जो कर रहे हैं जितनी हमारे पास ताकत है उसमें हम हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन ये कोई हेल्थ मेजर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये भी कभी हेल्थ मेजर करके इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी हम करके इसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नई बीमारी है। हमको ऐसे समझना है ये कि पिछले 3.5 महीने में जो भी साइंस की प्रगति हुई है जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस हो पा रहा है, आपकी PCR टेस्ट 3.5 महीने के अंदर कोई नई बीमारी की PCR की टेस्ट खोज हो गई। आप अगर देखें बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पिछले 3.5 महीने में हुई, 70 कैंडिडेट वैक्सीन में से 5 कैंडिडेट वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के फेज में गए, ये कभी किसी बीमारी में आज तक हुआ नहीं है। कोई भी जांच करके देखें अगर ये इतने तेज़ी से और इस रफ्तार से अगर इसकी खोज हो रही है तो हमने बोलना कि हमको डर लगे ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में डालना मुझे अब सही नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा विश्वास रखें, इससे आज जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट हो रहा है दोहरा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आज हमको जो टाइम मिला है उसमें सारे लोगों को केयर करने के लिए, समझ लीजिए प्रिपेयर्डनेस की जो एक्सरसाइज है, हॉस्पिटल केयर आज हम दे सकेंगे, इसकी गारंटी तो हम बार बार लव अग्रवाल साहब आपको बोल रहे हैं। और जितना हम इसको दूर ढकलेंगे उतना साइंस की प्रगति होके उसके खिलाफ या तो वैक्सीन निकले या दवा निकले और उसका हमारे देश में के लोगों को इस्तेमाल कर पाए, इसका चांस हम बाय कर रहे हैं। और जगह क्या हो रहा होगा, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमने सब निकाल दिया तो सब खराब हो जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं। हमारे देश के लिए हम जो बोल सकते हैं वो तो पक्का बोल रहे हैं। सर मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी एसिम्प्टोमेटिक के बारे में पूछा, डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया, तो देखिए इसको प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि करीब 80% जो केसेस पाए गए हैं वर्ल्ड वाइड उसमें वो केसेस होते हैं जिनमें माइल्ड से वेरी माइल्ड सिम्टम होते हैं, 15% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, करीब 5% केसेस होते हैं जिनमें क्रिटिकल केसेस की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट 3 फेजेस में पाया जा सकता है, एक प्योरली एसिम्प्टोमेटिक, एक प्री सिम्प्टोमेटिक और एक होता है सिम्टम्स के साथ सिम्प्टोमेटिक। तो जिस हम एसिम्प्टोमेटिक की जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसका कंटेक्स्ट प्राइमरली ये है कि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन से लेकर 16 दिन और ऑन एन एवरेज मीडियन टाइम देखें तो 5 से 6 दिन या 14 दिन का पाया गया है। उसमें पहले 5-6 दिनों में या 3-4 दिनों में उसका फेज ऐसा होता है जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, जिसको आप प्राइमरली प्री सिम्टोमेटिक कह सकते हैं या कॉमन मैन पार्लेंस में एसिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं। हमारा जो एफर्ट रहा है, जो अगर हम आपसे पहले भी बात करते आए हैं कि हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच से काम कर रहे हैं, फील्ड पर कम्युनिटी सर्वेलेंस पर फोकस करते हुए अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेज में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं और उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हुए उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं, तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट
ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टैलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। तो इस कंटेक्स में दूसरा केस आता है कि जो प्योरली एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, अगर आप WHO की रिपोर्ट भी देखें तो आई विल जस्ट रीड आउट, WHO की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि देर आर फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ लैब कन्फर्म केसेज विच आर ट्रूली एसिम्प्टोमेटिक एंड टू डेट देर हैज बीन नो डॉक्यूमेंटेड एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। यह फर्दर ये भी कहती है दिस डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी दैट इट मे अकर। ये पॉइंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इस बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं उन पेशेंट के जिनके वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करते हुए पेशेंट फील नहीं कर रहा है लेकिन वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो हम उसका सैंपल लेते हुए अगर वो सिम्टोमेटिक ना भी इमीडिएट सिम्टोमेटिक भी नहीं है तो हम उसको टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। द लास्ट ऑनलाइन क्वेश्चन, सेंट्रल टीम्स आर विजिटिंग डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट हैड बीन द एक्सपीरियंस ऑफ दीज टीम्स फॉर द MHA? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों को 4 राज्यों में डिप्लॉय किया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को अपने कार्यों में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है, उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आंकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें, सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि ये जो इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम है ये सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। I think this sorry for this one, this briefing from the empowered group, whatever. If we have to fight this COVID, is also economic stimulus is required. What are you doing for the MSME sector, sir, and what is the way forward for that? Actually, what we are doing for MSME, perhaps, you know, it will take quite a bit of time to kind of explain all that stuff. But then perhaps this is not the right, occasion or something when we are discussing about, you know, what exactly are we doing to fight COVID-19. You know, as I just mentioned that, you know, people who are, I just mentioned that some of the volunteers that we have identified are also helping state governments, even in mandis also, you know, and agricultural operations, I mean, they are being also utilized. People are also being utilized in various other, various other things where, this is actually helping, in opening out many of the economic activities. That's also being done. But then, what MSME sector we are doing, perhaps, we'll discuss it. We will have another round on that separately. Yeah. This is only for the empowered group. Thank you very much. Thank you.